डाल चुके हैं, फैसल का आवाज के साथ आगाज हो चुकी है महा मुकाबला। बड़ा मैच में बड़ा मंच पर अपना पैरों का दबाव दिखाने के लिए पहले हाफ से ही एक सही रणनीति के साथ उतरा है बम बम भोले घनश्याम मुर्मू, जो कि अक्सर दूसरे हाफ में दो मुकाबला में आए, लेकिन अब पहले हाफ से ही टीम के चर्चित मिडफील्डर घनश्याम ने मैदान के बीचों बीच अपने टीम के पास है जोश, है हौसला, है इस मुकाबला में रोमांच भी। तो इनका मौका बम बम भोले के लिए लंबा थ्रो साथी के लिए पास दिया गया बहुत ही तुफान के साथ। घनश्याम जब तक रिसीव करते उनसे पहले की और कम से कम 31,111 रुपया के साथ ट्रॉफी तक पहुंचने का मौका है यह मैच का विजेता को। विकास नायक साथी खिलाड़ी के लिए लेपर्ड के स्कोरर के लिए सुवर्ण सुधा घे पारे आमो पार्सर खिलाड़ी को दूसरे गोटे नंबर सुनी सात जो उठी रोहित संग दुई यूट्यूबर भाई तंको सामना रुबल पड़ी से पुनर्बार लंबा की आकाश छुआ सवार भूमि चौबा पर बारो हेमर सुधा को द्रुत तारो सहित विकास आक्रमण करितिले सदे चपरी गोटिए बंदूक मुनार गुड़ी सदृश बॉल गोल रेखा बाहर उत्साहित दर्शक और निराश की सुंदर प्रतिष्ठा समस्त शेष मैच फलाफल जानवा पाई वर्तमान भी अपेक्षारत। हल्का छोटा सा गोल किक के साथ डिफेंडर ने आगे बढ़ा है बॉल को, कोशिश बहुत ही बेहतर देखना होगा। चुटिल है खिलाड़ी अमृत डंग जी मैच को थोड़ा देर के लिए रोके हैं। मैच को फिर से टॉप बॉल के साथ आरंभ करने के लिए तैयार प्रमुख रेफरी अमृत गांधी राइडर के दिशा में बम बम भोले जब तक रिसीव करते बल्ल रखता हुआ सीधे स्पर्श रेखा से बाहर। लेडीज गैलरी आसी पहुंची थी बॉल गोटी मैच रो विजय 31,000 टंका 111 पर चंद पहुंचे वो एक सुंदर मैच गुरुत्वपूर्ण मैच से बड़े फर्स्ट क्वार्टर फाइनल रो टाई ब्रेकर इस बार मौका करते रहे बड़े लड़के और इसके साथ यह स्कोर बुलबुल जी गोर बेदे पहला गोल डाल दिया है टीम एससी ब्रदर्स। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमसे मत टकराना क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं। ये इरादों के साथ आगे आया और एससी ब्रदर्स कर दिया है कमाल धमाल बोवाल और बेमिसाल गोल स्कोर। अब आएगा मैच का मजा, अब रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबला का। सुंदर सुजाग सुंदर तृप्ति अवसाद नहीं जेते देखु तिले नुआ दिसु थाई नियारा परिवेश रोमांचकर मैच अवसर रे समस्त को मन रे नुआ उत्कंठा बम बम भोले क्या वापसी कर पाएंगे बचता हुआ समय में। यह तो शुरुआती पल है, हौसला बुलंद रखना होगा मुकाबला में। तो इनका मौका बम बम भोले के लिए जर्सी नंबर 11 विकास, जो कि लंबा थ्रो करने के लिए जाने जाते हैं। एक्सर्सिट खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया थ्रोइन होता ही बेहतर क्लियरेंस फाउल का संकेत मिलेगा फ्री किक अमृत डंग जी की ओर से बढ़िया निर्णय लो नंबर 12 के तहत यह फाउल एंड मिसकंडक्ट का इशारा।
कौन रही स्थिति परीक्षा कर प्रमुख परिचालक पहला हाफ का मुकाबला प्रगति पारे पूर्व मैच रो फलाफल पाए समस्ते उत्कंठार सहित अपेक्षा करिसु केउ दल पिंधिची विजय मुकुट किए उड़ाई विजय बाना आगो को बढ़िया पाई के सक्षम ही सन्ते आम जनइबू आप अल्प समय मध्य सन्देह कालीन परिवेश सन्ध्यार यह मुहूर्त शेष मैच रे आनंद नौ धन्यवाद देवी केवीएस समस्त कर्मकर्ता सहित अगणित क्रीड़ा प्रेमी माँ भी भाई मौसा को फ्रिकिक सुजोग रक्षाबंदी लंबा किक उद्यत प्रथमार्धर मैच अवसर एक गोल आगुआ रही टीम एस सी ब्रदर्स प्रस विकास विकास और घनश्याम के कंधों पर बड़ा जिम्मेदारी मैच को आगे बढ़ाने के लिए मैच का करवट को बदलने के लिए जर्सी नंबर 12 हल्का सा रिलीज ब्रेकफास्ट ग्राउंडर फास फिर से गैप पर आते हुए चौदह नंबर जर्सी क्विक रिलीज वन टच पास ये स्थिति पर देखना होगा इसे भी इतना खिलाड़ी सब तक कोशिश करते सही समय पर रोकने में कामयाब आज का अंतिम मैच में दो चर्चित टीम के बीच यह जद्दोजहद चलता हुआ मैदान में सुंदर ही रोमांचक और स्थिति कहते हैं कि रोक हौसला हुआ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर खुद समुद्र भी आएगा फाउल का संकेत आउटसाइड द पेनाल्टी एरिया पूर्व मैच रो विजेता बुलबुला मुझिरपानी एफसी पिछले साल कहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया आज का पहला मैच से यह सिलसिला तीन मैच में बरकरार है क्रॉस बार को सुंदर किस नहीं बॉल गोल लाइन बाहर अन्यथा सुजोग थिला समान स्थिति को आसीमा पाई कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर खुद समुद्र भी आएगा अरे थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बम बम भोले क्या वापसी कर पाएंगे इस मुकाबला में क्योंकि तमाम खिलाड़ी गेम चेंजर खिलाड़ी है मैच चेंजर खिलाड़ी है मैदान में वाह हेड करिसंती किंतु खराब हेड कन्नर वंचित हेबे नाही दल कन्नर की क्रस सुजोग पाउसी बम 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 भोले दर्शन नंबर 11 विकास किक करिबा पर प्रस्तुत होइसंती सामना रही सन्ते अटैकिंग लाइन एवं डिफेंडिंग लाइन लंबा किक देखिबार समय बढ़िया गोलकीपिंग सुंदर गोलकीपिंग सतेज पर चुंबक भरी टाणी रही सन्ते बॉल को ষষ্ঠতম বার্ষিক বাদবিন্দু প্রতিযোগিতার গোটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোয়ার্টার ফাইনাল রামে সামিল হয়েছু পুনর্বার সুযোগ রয়েছে বাম পার্শ্বর লাইট অন হো চুকি হে ইয়ে নজারা কুছ অলগ বয়ান কর রহা হে বুলবুল জি ময়দান কে চারো ওরে লাইট অন হো চুকি হে আই শোর সে ধীরে ধীরে আক্রামক রবাই আপনাতে হুয়ে ইয়ে ম্যাচ মুঝে লগ রহা হে এক গোল সে রোকনে বালা নহি হে जिस अंदाज से हमला हो रही है जिस अंदाज से प्रदर्शन चल रहा है मुकाबला में ऐसा लग रहा है कि ये गोल कहीं ना कहीं कभी भी वापसी कर सकते हैं विरोधी टीम लेकिन फुटबॉल एक अनिश्चितताओं का खेल आज पूरी तरह जोशीला अंदाज में आगे आया एस सी ब्रदर्स और एक कमाल का स्कोर बढ़िया फिनिश किए जर्सी नंबर 17 लाजवाब प्रदर्शन रहा उनका एससी ब्रदर्स की ओर से जर्सी नंबर 17 के द्वारा लाजवाब स्कोर और इसके साथ फ्री किक भी क्या
कहना चाहेंगे बोल मैच बहुत ही गंभीर स्थिति में चल रहा है, दर्शकों का निगाह प्रीतर टिका हुआ है इस हाई वोल्टेज मुकाबला के ऊपर। और निश्चित रूप से किरोद पिछला मैच का जो रिजल्ट आप डिक्लेयर कर रहे थे, छिरपानी एफसी पिछले साल के चैंपियन टीम इस साल का डिपेंडिंग चैंपियन के रूप से मैदान पर उतरा था और मानो जहां से सफर खत्म किया था पिछला साल टीम छिरपानी एफसी, आज भी इस मैदान में फिर से वो सफर को आगे बढ़ाया है और पहला टीम के दौरान टीम पहुंच चुका है टूर्नामेंट के पहला सेमीफाइनलिस्ट के रूप से सेमीफाइनल के लिए। एक गोल से आगे टीम और एक गोल से अब पीछे है इस मैच में बम बम भोले, और बम बम भोले को पता है जब मैच में एक गोल से पीछे रहते हैं तब एक एक सेकंड का कीमत क्या है। ये देखिए अटैकिंग अप्रोच, लेकिन वहां पर विक्रम सोरेन डिफेंडर के किरदार पर श्याम, विक्रम की जोड़ी आप कहीं ना कहीं रक्षाबंदी करते हुए अपने टीम के लिए। विकास नायक यहां पर थोड़ी सी फ्रीडम ढूंढते हुए बहुत ही शानदार स्किल के साथ जर्सी नंबर 8 के लिए रिलीज कर दिए हैं, 8 नंबर खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 के लिए, और 14 माइनस करते हुए विकास को ये ग्राउंडेड पास। डिफेंडर जर्सी नंबर 4 श्याम टूडू वहां पर तैनात है और श्याम ने शानदार तरीके से ब्लॉक किया वहां पर, और सिकुमा भी करा मौका, बॉल थोड़ा सा रफ्तार में आगे चलता हुआ डिफेंडर ने अपने कंट्रोल में लिए, बॉल अभी भी बचा हुआ है मैदान में, पहला हाफ का प्रगति बुलबुल रफ्तार पकड़ चुका है, बम बम भोले हमेशा हर पल हमला किया है गोल खाने के बाद मैदान में, फिनिश नहीं। अब जैसे की चर्चा की है डिफेंडिंग लाइन पूरी तरह स्ट्रांग बना चुका है, अब इस गोल का प्रोटेक्शन देने के लिए पोस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए एससी ब्रदर्स टीम ने मैदान में आघात प्राप्त खिलाड़ी कौन रही स्थिति देखिए, मारो समय ज्यादा समय शेष नहीं, यह महा मुकाबला है ग्रुप बी का ग्रुप फाइनल है और एक टीम जो ग्रुप ए का ग्रुप चैंपियन वह टीम है छिरपानी एफसी, पिछले साल इतिहास का पन्ने में अपने नाम लिखने वाले यह साल भी प्राइज का हकदार हो चुके हैं। स्वागत करेंगे इस महाजंग में बुलबुल आपको भी एक बड़ा टूर्नामेंट में जहां पर 1,21,111 रुपए के साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी है, 71,111 रुपए के साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी, 51,111, 30,111 झारखंड का ये एक बेहतरीन ग्राउंड धनगांव सेंट्रल फुटबॉल प्ले ग्राउंड। ओहो फिर से यहाँ पे किस्मत साली रहा टीम, 4 साल लगा दिए अंतिम मैच, लेकिन तमाम दर्शकों के दिल पर एक नया रोमांच भर दिया है ये मुकाबला। मैदान का नजारा कुछ अलग है, लाइट जब ऑन हो गया है ये मैदान का माहौल कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डे नाइट मैच हो रही है। हल्का सा ड्रिबलिंग फिर से रफ्तार पकड़ लिया है टीम, सुंदर सुजोग रही सी ढाल पर सकवा डाक विकास, विकास को पाकर रही सी क्षमता, कि सुंदर ड्रिबलिंग, कि सुंदर जजमेंट, व्हाट अ डायनामिक गोलकीपिंग, एसी ब्रदर्स की ओर से कमाल का गोलकीपिंग का नजारा मैदान में चलता हुआ। बिल्कुल स्वागत है आपको और निश्चित रूप से शुक्रिया किरोद, अभी भी अगर देखे तो एक गोल की बढ़त के साथ बम बम भोले को अभी भी बैकफुट पर रखा है ओपोनेंट टीम एसी ब्रदर ने। कहा जाता है एक गोल की लीड कभी सुरक्षित लीड नहीं होती, तो देखना होगा क्या मैच के दौरान वापसी करेगा टीम। पहला हाफ का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बहुत समय से जद्दोजहद कर रहा है टीम, बम बम भोले स्टार खिलाड़ी विकास नायक, ये किक की तैयारी पर फ्री किक मिला है 10 यार्ड के दूरी पर, वाल पर तीन खिलाड़ी डिफेंसिव मोड पर, ये फ्री किक स्पेशलिस्ट, और इसी के साथ स्कोर 1-1 की बराबर स्थिति पर मुकाबला, 1-1 की बराबर स्थिति पर मुकाबला पहुंच चुका है। वो सफलता किस काम की,
है ये टीम। बातों बातों में पहला हाफ का परिसमाप्ति, एक एक की बराबर स्थिति पर यह मुकाबला पहुंचा है। दूसरा हाफ का आगाज हो चुका है मैदान पर, एक एक की बराबर स्थिति पर अब मुकाबला। बहुत ही शानदार यह मैच, अब तक का मानो आज के दिन का सबसे बेहतरीन मैच देख रहे हैं भनगांव के मैदान पर सभी फुटबॉल प्रेमी। अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला, एक एक की बराबर स्थिति और एक एक का स्थिति यह बयान कर रहा है कि कोई किसी से कम नहीं है इस मैच में। दोनों टीम बहुत ही शानदार फुटबॉल खेले हैं, पहला गोल दागा टीम और उसके बाद रिटर्न गोल ओपोनेंट टीम ने दागते हुए एससी ब्रदर को चैलेंज, जो एससी ब्रदर किया था वो चैलेंज को स्वीकार किया है ओपोनेंट टीम बम बम भोले ने। बम बम भोले कुछ समय पहले एक गोल से पीछे था, अब मैच में एक एक की स्थिति आ चुका है। इससे पता चलता है कि दोनों टीम अब पूरी तरह जोश पर आ चुके हैं। आसंदाकालीन प्रिय फुटबॉल प्रेमी जमा भी भूली चुके नहीं, आसंदाकालीन गोटिया पर गोटिया में आज ठीक समय सकाल 8:30 आरंभ है। 8:30 आरंभ हम टूर्नामेंट द्वितीय दिवस प्रथम मैच ग्रुप सी एवं ग्रुप डी रु 16 टीम निजर पादर जलवा देखाइबे चलित वर्ष टूर्नामेंट अवसर रे ষষ্ঠ বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্ট বৈতরণী ক্লব কেভিএস তরফ রু আয়োজিত হইতিবা এই টুর্নামেন্ট। ধন্যবাদ দেব ক্লব র সমস্ত কর্মকর্তা মানঙ্কু, যো মানঙ্কর অক্লান্ত পরিশ্রম, যো মানঙ্কর ঝাড়ুয়া পরিশ্রম, আজি ধীরে 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 ষষ্ঠ বর্ষর পাদপেন্ডু প্রতিযোগিতা সফলতার সহিত আগকু বঢ়াইছন্তি। সমস্তঙ্কু আমি ধন্যবাদ দেব, ধন্যবাদ দেই ফেরিবা আপড়িয়া মধ্যকু। আজির দুইটি কোয়ার্টার ফাইনাল দুইটি চিত্র দেখেছি এখানে উপস্থিত ফুটবল প্রেমী মানঙ্ক পাই। প্রথম ম্যাচ কোয়ার্টার ফাইনাল র গোল শূন্য থিলা বন্ডমুন্ডা এফসি এবং ঝিরপানি এফসি মধ্যরে, শেষরে ম্যাচ যাই পৌঁছি থিলা টাই ব্রেকার পর্যন্ত, যদি ঝিরপানি এফসি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বিজয় লাভ করি কোয়ালিফাই করিছি টুর্নামেন্ট সেমি ফাইনাল রাউন্ড কো। ইয়ে হইছি তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল র কাহানী অধুরা রহিছে বর্তমান সুধা দুই টিম পাই। এবে এবে জড়িত মার্কেট সাইডে যে ফুটবল প্রেমী মানে অসন্তি, যে মানে ম্যাচ র আনন্দ নেই পারি না হান্তি, আমি জড়াই দেব এস সি ব্রদার টিম প্রথমে গোল স্কোর করেছিল আমি আজ রে এবং বম বম ভলে স্কোর রে পছুয়া ছিল আমি আজ রে। প্রথম হাফ র শেষ সময় সুথা এস সি ব্রদার কু চ্যালেঞ্জ করি বম বম ভলে টিম রিটার্ন গোল দেইছি এবং ম্যাচ রে প্রত্যাবর্তন করেছি টিম এক এক র বরাবর স্থিতি সেকেন্ড স্কোর পাই। সেকেন্ড স্কোর পাই চেষ্টা করেছিল টিম কিন্তু বর্তমান সুদা গোল শূন্য রহিছে তৃতীয় হাফ এক এক র বরাবর স্থিতি। अभी भी अगर देखे फिर से लॉन्ग रेस और बाय पर इस्तेमाल अब मौका बन सकता है ये कमाल का कोशिश जर्सी नंबर 10 ओह कमाल की गोलकीपिंग बेहतरीन गोलकीपिंग गोलकीपर के द्वारा एक लाजवाब मुकाबला जर्सी नंबर 10 सिंगू माठी कुछ हद तक निराश के किरण अगला मैच में तो एक ही स्कोर कार हो सकता था और सबसे गोल्डन चांस दो एक का स्थिति बनाने के लिए गोल्डन चांस प्राप्त किया टीम। इस बार फिर से घनश्याम मुर्मू, घनश्याम विकास और उसके साथ साथ अगर देखे चर्चित खिलाड़ियों का समावेश मैदान में और एक बार दमदार शॉट, कोशिश में कोई कमी नहीं की है दोनों टीम जम कर खेले हैं ऐसा लगा कि सही मायने में ग्रैंड फिनाले चल रहा है। क्या शानदार ग्राउंड
माने KBS एक डिसिप्लिन कमेटी है, लेकिन इस साल थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, हल्का नजर आ रही है। ये चीज को ध्यान देंगे हमारे आयोजक समिति। एक विशाल टूर्नामेंट में हर चीज को हमेशा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस साल कुछ अलग नजर आ रहा है। जर्सी नंबर 10 सिंह कुमार दी इस बार अपने कंट्रोल में देने के लिए हिस्सा खिलाड़ी के लिए जर्सी नंबर 2 पादर बॉल दो तौर आप सही दो आगो को बड़ी बाबन प्रचेष्टा लेफ्ट और खिलाड़ी को बाहे पर सुधा बम बम भोले एक खूंखार शेर क्या कमाल का वापसी क्या मैच में संदा लीड किया था एससी ब्रदर्स इस मुकाबला में और क्या जम कर खेले पहला हाफ में ही मैच का करवट को बदल दिए ऊपर टीम बम बम भोले। आज का ये अंतिम मुकाबला ध्यान देंगे फुटबॉल के दीवानों ने कल सुबह 8:30 से मैच शुरू होगा टाई सीट के अनुसार। जो कि बहुत ही कमाल का मेहनत किए गोल को प्रॉपर स्थिति में लाने के लिए एक बेहतरीन मौका को हेडर के जरिए गोल किया गया और गोलकीपर कुछ समझने से पहले नेट के अंदर गोल और मैच टाई स्थिति पर दो स्थिति पर रखने में कामयाब हुआ है। सभी के चाहते टीमों में से एक बम 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 और बम बम भोले। निश्चित रूप से आप जो बयान कर रहे थे खिरोद आपके बातों पर 100% सहमत हूँ। बहुत सारे फुटबॉल के दीवानों का पसंदीदा टीम है बम बम भोले, लेकिन ओपोनेंट टीम आज जमकर खेला है। सिंगो माटी श्याम टुडू लाथार जैसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं आज ओपोनेंट टीम को चैलेंज किए हैं इस टूर्नामेंट में। अभी तक अगर देखे इस टूर्नामेंट में बम बम भोले टीम को कोई कंप्लीट अगर चैलेंज किया है तो बहुत टीम है एससी ब्रदर। एक एक की बराबर स्थिति, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मैच में पहले हाफ का जो सिचुएशन था, पहले हाफ पर एक गोल का जो कुछ समय के लिए बढ़त बनाया था एससी ब्रदर, ओपोनेंट टीम को रोकने में कामयाब हो सकता है एससी ब्रदर, लेकिन ओपोनेंट टीम में रणनीति जो था रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाया वो टीम अटैकिंग अप्रोच अटैकिंग फुटबॉल के साथ आपने मनसा को जाहिर किया टीम और एक गोल का रिटर्न स्कोर देते हुए मैच में वापसी का ऐलान कर दिया टीम बम बम भोले। अब मैच का कहानी वो इक्वेशन एक एक की स्कोर कार्ड पर। समय ज्यादा शेष नहीं, क्या बचे हुए समय के दौरान दोनों टीमों में से कोई टीम दूसरा गोल दागते हुए ये लीड को और भी मजबूत करेगा। ये मौका था लेकिन डिफेंडर को तारीफ करना होगा, डिफेंडर जिस अंदाज के साथ ब्लॉक किए सिंगू का प्रदर्शन आज दिल जीत लिया है। किरोद बहुत दिनों के बाद सिंगू से अग्रेसिव अप्रोच देखने को मिला है। जब अबू दो अबू के कंप्लीट टीम खेलता था तब विजय और माद्रुस के ऊपर ज्यादातर स्कोरिंग का भार संभाला जाता था और स्कोरिंग का वो स्कोरर के किरदार पर खेलते थे और मिडफील्डर के किरदार पर कप्तान सिंगू नजर आते थे, लेकिन आज इस टीम से प्रमुख स्कोरर के किरदार पर खेल रहे हैं सिंगू और उनका जो अग्रेसिव अप्रोच है ये टूर्नामेंट पर वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। उनका जो अग्रेसिव अप्रोच अब तक हर मैच में नजर आया है ये मौका दमदार शॉट, ये स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी और एक बड़ा गलती सिंगू के पैरों से। स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी और वो मौका को गवाया है टीम एससी ब्रदर।
गुरुत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनाल जेतेबेले समय आसी संध्याकालीन अवसर में आम कि समय पर स्वागत करवा बैतरणी क्लब केवीएस रो सभापति प्रवीण प्रधान महोदय को स्वागत करी माइक्रोफोन रे सामान्य कार्य व्यस्तता जो प्रवीण भाई परवर्ती समय रे जोड़े बोली कथा देले किंतु चली मैच वर्तमान सुधा एक एक बराबर स्थिति ऐसा नहीं कि दोनों टीम को मौका मिला नहीं है दूसरे हाफ पर ऐसा मौका मिला है जहां से अगर स्कोर करते तो स्कोर लाइन पर 3-2 या 2-2 की सिचुएशन आ सकता था वहां से कहीं ना कहीं फिनिशिंग करने में कामयाब हुए नहीं दोनों ही टीम के स्ट्राइकर दबाव कह सकते हैं बड़ा मैच का या मैच के दौरान वो प्रेशर अब तक झेल नहीं पाए क्यों दोनों टीम जी हाँ आपने सहयोग किया दोनों टीम बेहतर खेले हैं ऐसा नहीं कि दबाव को झेले नहीं दबाव को झेलते हुए मैच में कांटों की टक्कर भी दिया बुलबुल दोनों टीम आज इस मैच से प्रदर्शन किया मानो खूंखार दोनों बप्पर सर के बीच एक बड़ा मुकाबला फाइनल मुकाबला खेला गया हो क्वार्टर फाइनल का दूसरा मैच मैदान में जो भी जीतेंगे कम से कम एक प्राइज का हकदार हो जाएंगे सुंदर प्रदर्शन वर्तमान विश्व सुजोग रोहित जी महलिंग को देसर दर्जे में टेन भाई किंतु डिफेंडर लाधर को द्वारा किया रन्स अनिश्चित बॉल प्लेस सहयोग किए हैं सिन्नू बाबू बॉल को देते हुए इस बार धोनी का मौका दर्जे नंबर 8 मौका बनता हुआ बम बम भोले राइट आउट खिलाड़ी के लिए जर्सी नंबर 14 गैप मिला नहीं बॉल का रफ्तार ज्यादा बॉल टच लाइन से बाहर ज्यादा समय भी शेष नहीं है मैच का अमृत गंधी के द्वारा संचालित होता हुआ एक शानदार क्वार्टर फाइनल हजारों दर्शकों का निगाहें वर्तमान भी टिका हुआ है और बातों बातों में एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम हुई मैदान के अंदर ही टाई ब्रेकर किया जाएगा मैदान के अंदर